हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू नीट एग्जाम स्टडी। गाइस आज मैं क्लास सिक्स साइंस का चैप्टर फोर शॉर्ट मटेरियल्स इनटू ग्रुप आज मैं डिस्कस करने वाला हूं जो आपके एनसीईआरटी का है। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया तो जल्दी से लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए और अपने जितने भी आपके फ्रेंड हैं, जितने भी आपके ग्रुप बने हैं स्कूल के, तो सारे ग्रुपों में आप शेयर कर दीजिए। आपको पता है कि लॉकडाउन में क्लासेस नहीं लग रही हैं, तो आप ऑनलाइन स्टडी करने का ये बेस्ट तरीका है। आप हॉलीडे में भी अपना टाइम यूज कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखते रहें और उनको रिवाइज करते रहें। चलिए चलते हैं, आपको बता दूं, द शॉर्ट मटेरियल्स इनटू द ग्रुप द थिंग्स विच वी ऑल यूज अवर डेली लाइफ आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल्स। ऑल दीज मटेरियल्स हैव मास शेप आर क्लासीफाइड बेस्ड ऑन द मैनी क्राइटेरियाज। गाइस आपको पता है जो भी आप डेली वेज में आप जो भी मटेरियल्स यूज करते हो वो हमारे मटेरियल्स होते हैं और उन मटेरियल्स का आपका शेप भी होता है, साइज भी होती है और मास भी होता है। जो हम आज जो फिजिकली हम लोग यूज करते हैं उन मटेरियल्स को, तो आपको उन सारी स्टेट और उनकी प्रॉपर्टीज़ आज मैं डिस्कस करूँगा। तो चलिए चलते हैं। फर्स्ट हमारा आता है क्राइटेरिया, एट द फर्स्ट मटेरियल कैन बी सॉर्ट इन टू द ग्रुप बेस्ड ऑन द थ्री स्टेट ऑफ मैटर। फर्स्ट हमारा क्राइटेरियाज आता है थ्री स्टेट मैटर का। जैसे हमारे थ्री स्टेज, जैसे हमारा सॉलिड हो गया, लिक्विड और गैस, ये हमारे थ्री स्टेट मटेरियल जो फर्स्ट क्राइटेरियाज मटेरियल है। सेकेंड हमारा है सेकेंड क्राइटेरिया, यूज द सॉर्ट मटेरियल बेस्ड ऑन देयर द अपेरियंस। अपेरियंस में, अपेरियंस का मतलब आपका जिनमें कलर, शाइनिंग मटेरियल्स जैसे ये होते हैं, ये आपके अपेरियंस में आते हैं, शाइनिंग मटेरियल्स। नेक्स्ट हमारा आता है द थर्ड क्राइटेरिया, यूज टू सॉर्ट मटेरियल आर बेस्ड ऑन द सॉल्युबिलिटीज। सॉल्युबिलिटी डिपेंड ऑन द सॉल्यूब एंड इनसॉल्युबल। सॉल्युबिलिटीज हमारी जो होती है, हमारे फ्लूइड मटेरियल्स जो मिक्स मटेरियल्स होते हैं, तो उनसे आप डिस्कस करेंगे। जैसे हमारा सॉल्ट, शुगर, वाटर्स हो गया है ना, सैंड, चैक, इनसॉल्युबल मटेरियल्स, जो से भी ये सारी चीज़ें हम मटेरियल्स में आती हैं थर्ड कैटेगरीज। तो ये तीनों कैटेगरीज आज हम आपसे डिस्कस करेंगे। चलिए चलते हैं। फर्स्ट हमारा क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। हमारा मटेरियल्स कैन बी क्लासीफाई बेस्ड ऑन द सेवरल प्रॉपर्टीज। तो हमारा ट्रांसपेरेंट है क्लासिफिकेशन, हार्डनेस है, सॉल्युबिलिटी, इनसॉल्युबिलिटी एंड फ्लो एंड सिंक है। तो ये हमारे क्लासिफिकेशन है और आज आपसे यही चीज़ डिस्कस करेंगे। चलिए फर्स्ट हमारा आता है पॉलिशिंग। पॉलिशिंग का मीन्स क्या होता है गाइस? पॉलिश हम लोग करते हैं ना किसी चीज़ में, आपके गेट में करते हैं और आप हाउस में करते हैं या कोई थिंग्स में करते हैं पॉलिश। पॉलिश का मीन्स क्या होता है? पॉलिश का मीन्स होता है कोई भी ऑब्जेक्ट को प्रोटेक्ट करना एक्सटर्नल डैमेज या फिर आप उनको ऑक्सीडेशन में जो मॉइस्चर से जिसमें प्रॉब्लम होती है उन चीज़ों को आप प्रोटेक्ट करते हो, प्रोटेक्ट करती है पॉलिशिंग। तो आपका ये पॉलिशिंग्स में आप डिस्कस बता रहा हूँ इसमें क्या है। द मेटल पॉलिश एक्ट प्रोटेक्ट द सील टू मेटल सरफेस बिकॉज द स्टॉप ऑक्सीडेशन को। जैसे हम मेटल में हम लोग गेट में पॉलिश करते हैं, तो उसमें क्यों करते हैं पॉलिश? क्योंकि उसमें रस्टिंग नहीं लगे। रस्टिंग लग जाती है तो आपका मटेरियल डैमेज और क्रैक और वीक भी होने लगता है, और पॉलिश से आपका ऑक्सीडेशन, उसमें ऑक्सीडेशन से मॉइस्चर से बचाता है, तो आपका मटेरियल की स्ट्रेंथ और आपका मटेरियल शाइनिंग बना रहता है आपकी पॉलिश से। तो आप पॉलिश हैं और ये इसके कुछ मैटर देख लेते हैं। इट इज़ मैटर टू इम्प्रूव द ड्यूरेबिलिटी एंड टेक्सचर ऑफ मेटल सरफेस एज अ मच लेस लाइकली वियर द कॉरेट। ये आपका पॉलिशिंग है। नेक्स्ट हम आता है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द अपेरियंस। अपीरियंस में हम क्या, दो पार्ट आते हैं हमारे अपीरियंस का। मीन्स आपका जो कलर वाले रहते हैं, जैसे हमारा लस्टर और हमारा आता है पहला लस्टर और नॉन लस्टर। अब ये लस्टर नॉन लस्टर क्या होते हैं, चलिए डिस्कस करते हैं। द मटेरियल कैन बी डिफ्रेंशिएट फ्रॉम ईच अदर बेस्ड ऑन देयर लुक्स। सम लाइक डायमंड, गोल्ड एंड शाइनिंग एंड द टर्म ऑफ द लस्टर मटेरियल। जो हमारे मटेरियल्स जिनके पास शाइनिंग और उनके पास बहुत, मतलब जो चमकदार मटेरियल्स होते हैं, जैसे हमारा गोल्ड, सिल्वर है ना, और डायमंड, ये हमारे बहुत शाइनिंग मटेरियल्स होते हैं, तो ये हमारे लस्टर कहलाते हैं, लस्टर मटेरियल कहलाते हैं। सम अदर मटेरियल्स लाइक ग्रेफाइट, वुड डू नॉट अपीयर शाइनिंग। ये शाइनिंग नहीं करते, इनके पास कोई भी शाइनिंग नहीं रहती है, डल रहते हैं। और ये हमारे जैसे वुड हो गया और आपका ग्रेफाइट हो गया,
ये हमारे मटेरियल्स कहलाते हैं नॉन लस्टर मटेरियल। तो आपको पता चल गया कि लस्टर और नॉन लस्टर मटेरियल कौन से हैं। शाइनिंग मटेरियल्स आपके लस्टर हैं, नॉन शाइनिंग मटेरियल्स आपके नॉन लस्टर हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द हार्डनेस। अब आपकी हार्डनेस हमारे दो पार्ट में आती है, हमारी हार्डनेस हार्ड मटेरियल्स एंड सॉफ्ट मटेरियल्स। मटेरियल दैट कैन बी कंप्रेस्ड एंड डिफॉर्म इजली, जो मटेरियल्स कंप्रेस्ड कर सकते हैं इजली वो हमारा सॉफ्ट मटेरियल होगा। ये आप देख सकते हैं सॉफ्ट सॉफ्ट और हार्ड, सॉरी हार्ड सॉफ्ट में हमारा हार्ड में क्या होगा, वेयर एज द मटेरियल्स दैट डू डिफिकल्ट टू बैंड एंड कंप्रेस। जिन मटेरियल्स में हमको बैंड करने में या फिर कंप्रेस करने में हमको डिफिकल्टीज जाएगी वो हमारे हार्ड मटेरियल्स होंगे। आई होप आर यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है अपेरियंस। अपेरियंस हार्डनेस हमारा जो टफनेस पार्ट आता है, दैट इज प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। ये क्या होता है, विथ स्टैंड द स्ट्रेस विदाउट ब्रेकिंग टू टर्म एज टफ। नेक्स्ट हमारा आता है फ्लोटिंग। फ्लोटिंग में हमारा आता है, फ्लोट मीन्स जो हमारी तैरने वाली चीज़ें, तो फ्लोटिंग में हमारा आता है फर्स्ट पार्ट बायोन्सी आता है। बायोन्सी क्या मीन्स क्या होता है, चलिए देखते हैं। द अपवर्ड फोर्स अप्लाइड बाय द फ्लूड ऑन द ऑब्जेक्ट और द बॉडी व्हेन द ऑब्जेक्ट पुट इन और सबमर्ज। जब कोई भी बॉडी हमारी जो अप साइड से हमारे फ्लूड में इनसाइड जाएगी तो वो कोई वेट लगाएगी आपकी, बट आपके फ्लूड अंदर उसको नहीं यानी इमर्ज होने नहीं देगी, डूबने नहीं देगी, और फ्लूड खुद अपना फोर्स लगाएगी अप साइड के लिए। तो वो हमारा जो फ्लूड लगाएगी अप साइड के लिए तो वो हमारा बायोन्सी फोर्स कहलाएगा। गाइस आई होप आपको समझ में आ गया, बायोन्सी फोर्स अप साइड फोर्स, जो हमारा वाटर अप साइड फोर्स लगाएगा तो आपका बायोन्सी होगा। क्योंकि हैवी मटेरियल्स होगा तो इजिली वो डाउन साइड चला जाएगा और डूब जाएगा, और जो लाइटर मटेरियल होगा वो बायोन्सी फोर्स को उसको बैलेंस रखता है और डूबने नहीं देखता। हल्का मटेरियल जैसे आप लीफ रखो या फिर आप पेपर का कुछ भी पेपर रखो, अगर जब तक का उसका वेट आपका लाइटली रहेगा तो वो आपका ऊपर तैरता रहेगा और आपका वो फोर्स लगाएगा कौन, बायोन्स फोर्स लगेगा बाय वाटर द्वारा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपका ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी आपका मटेरियल कैन बी ग्रुप इनटू द थ्री कैटेगरीज बेस्ड ऑन द एबिलिटी टू ट्रांसमिट लाइट। ट्रांसमिट लाइट जो हमारे लाइट से डिफरेंट लाइट पे डिपेंड करता है ट्रांसपेरेंसी। तो ये तीन टाइप की होती है क्लासिफिकेशन और बेस्ड ऑन द ट्रांसपेरेंसी। फर्स्ट हमारा ट्रांसपेरेंट, ओपेक और ट्रांसल्यूशेंट। तो ये आपसे आज डिस्कस करेंगे ट्रांसपेरेंट ट्रांसल्यूशन। नेक्स्ट हमारा आता है एन ऑब्जेक्ट विच अलाउ विजिबल टू लाइट पास थ्रू इट इज कॉल्ड द ट्रांसपेरेंट। ऐसे ट्रांसपेरेंट क्या होता है, जो हमारी लाइट को विजिबल पास कर देती है। जैसे आपका फर्स्ट वाला आपने देखा होगा, ये लाइट को क्या कर रही है, पास कर रही है, सभी लाइटों को पास कर रही है, ये हमारा कहलाएगा ट्रांसपेरेंट। फर्स्ट हमारा आएगा ट्रांसपेरेंट, क्लियरली ये लाइट को पास कर रही है। जैसे आपका कोई ग्लास होता है, अगर आप उसे टॉर्च लाइट लाइट पास कर रहे हो तो आपका इजिली आपका ग्लास के आउटर साइड भी आपकी लाइट पास होगी, वो हमारा क्या कहलाएगा, ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स। तो ये ट्रांसपेरेंट पार्ट हो गया हमारा। नेक्स्ट हमारा आता है एन ऑब्जेक्ट विच अलाउ पार्शियली पास टू लाइट इज कॉल्ड अ ट्रांसमिटर। अब गाइस देखिए सेकेंड वाले में आपकी लाइट तो ऑन हो रही है, अगर आपका ग्लास थोड़ा सा भी आपका आप में सिर्फ उसमें लाइट तो जा रही है लेकिन उसकी लाइट की रेज ट्रांसफ़र नहीं हो रही, सिर्फ उसकी क्या हो रही है, शाइनिंग ट्रांसफ़र हो रही है। तो आपका क्लियरली लाइट ट्रांसफ़र नहीं हो रही है, आपकी सम लाइट पास हो रही है, तो आपका क्या हो जाएगा, ट्रांसल्यूसेंट हो जाएगा। मतलब आपका क्लियरली लाइट ट्रांसफ़र होगी तो आपका ट्रांसपेरेंट कम, और कुछ सम लाइट्स ट्रांसफ़र होंगी उसमें तो ट्रांसल्यूसेंट। इसके बाद हमारा आता है एन ऑब्जेक्ट पास डज नॉट अलाउ पासिस लाइट, जो बिल्कुल भी लाइट को पास नहीं करती है। जैसे आपकी वुड हो गई, वुड में आप रखो तो आपका कुछ भी, या फिर वॉल हो गई, आपकी वॉल में दीवार में आप लाइट ट्रांसफर होगी तो आपके नेक्स्ट रूम में लाइट ट्रांसफ़र नहीं होगी। तो आपका जो आपका विदाउट नो लाइट पास थ्रू द ऑब्जेक्ट तो वो हमारा क्या कहलाएगा, ऑपेक कहलाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जैसे आप सनराइज़ के सन के सामने खड़े रहते हैं, आपकी शेडो की शेप में आपकी लाइट सन रेज ट्रांसफ़र नहीं होती तो वो आपके जो शेडो रहता है वो ऑपेक का पार्ट रहता है। तो आई होप आई यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट हमारा पार्ट आता है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटीज़ में हमारी आती है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द सॉल्युबिलिटी। द सम सब्सटेंस कम्प्लीटली डिसअपीयर
और डिजॉल्व इन द वाटर। कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो डिसअपियर और डिजॉल्व हो जाती है हमारे वाटर में, आज वो आपसे दिखा रहा हूँ। इसमें द अदर सब्सटेंस डू नॉट मिक्स अदर वाटर डू नॉट डिसअपियर आफ्टर इवन वी स्टर फॉर द लॉन्ग टाइम एंड द सब्सटेंस इन सॉल्युबल इन वाटर। गाइस आपको पता है हमारा फ्लूड जो होता है उसको बोलते हैं सॉल्वेंट, जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड पार्टिकल्स उसको बोलते हैं आपका सॉल्यूट। ये इसमें हम डिसॉल्व करेंगे तो हमारा कंप्लीट डिसॉल्व हो जाता है, ये हमारा कहलाता है सॉल्यूशन। जो आपका सॉल्यूट और सॉल्वेंट हमारे मिक्स हो जाते हैं ये हमारे कहलाते हैं सॉल्यूशन। तो कम्प्लीटली हमारे जो डिसॉल्व हो गए वो हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा, ये हमारा पार्ट है सॉल्युबिलिटी का। चलिए नेक्स्ट करते हैं डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी इज डिफाइंड एज द मास पर वैल्यूम, मास पर वैल्यूम, ये हमारी डेंसिटी कहलाती है। और अमाउंट ऑफ द पार्टिकल ऑफ द सब्सटेंस पिक इन टू द सर्टेन अमाउंट ऑफ द स्पेस, ये आपका क्या है डेंसिटी कहलाएगी। इसके कुछ पार्टिकल्स प्रॉपर्टीज पढ़ देते हैं। इफ द पार्टिकल आर पैक्ड टाइटली टुगेदर द डेंसिटी वुड बी ग्रेटर देन इफ दे आर लॉजली पैक विथ अ लॉट ऑफ एम्प्टी स्पेस ग्राउंड। सेकेंड हमारी प्रॉपर्टी आती है दिस इज टेकन अ मास पर यूनिट वैल्यूम। इसकी यूनिट क्या होती है? मास पर यूनिट वैल्यूम, जिसका फार्मूला हो जाएगा हमारा आपका यूनिट का केजी पर मीटर क्यूब, आपका यह यूनिट हो जाएगी। डेंसिटी इज द रीजन सम ऑब्जेक्ट सिंक अदर द फ्लोट। तो गाइज आई होप आपको डेंसिटी समझ में आ गई होगी। तो गाइज अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें और बेल आइकन ऑन कर दीजिए मेरे न्यू वीडियो नोटिफिकेशन के लिए। थैंक यू गाइज़।